भूतपूर्व सैनिक वरिष्ठ अध्यापक के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को आरपीएससी के सामने सभी ने अपनी आंखें बंद कर आरपीएससी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भूतपूर्व सैनिक पंकज कविया और शेर सिंह ने बताया कि सभी भूतपूर्व सैनिक पिछले कई समय से आरपीएससी से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, मगर आरपीएससी द्वारा आज तक परिणाम जारी नहीं किया गया। प्रदर्शन करने वालों में कई ऐसे सैनिक हैं जो युद्ध के समय अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सभी भूतपूर्व सैनिकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए, वरना कल से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। सर, हम सब भूतपूर्व सैनिक हैं और वरिष्ठ अध्यापक 2018 सेकंड ग्रेड के हम सब अभ्यर्थी हैं। आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। कल सर हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और आरपीएससी सचिव नीतू यादव मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अब जो रिजल्ट आएंगे उनमें हम भूतपूर्व सैनिकों का रिजल्ट साथ में जारी करेंगे। और आज उन्होंने हमारे को बुलाया, अभी हमें हम ज्ञापन देने के लिए दोबारा जाएंगे। अभी हमारे को अभी तक आरपीएससी सचिव से पूरा विश्वास है कि वो हमारा रिजल्ट जारी करेंगे और हमें न्याय देंगे। ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो परिवार वाले हैं, ये अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, इन सबको जो देश की रक्षा इन अपनी मजबूरियों की वजह से सेना से आए हैं और यहाँ पे नौकरी के लिए ये ज्ञापन दे रहे हैं। और इनसे सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करें। और ये जो देश के जो गौरव हैं, इन्होंने हर देश में, चाहे वो बर्फ हो चाहे रेगिला राजस्थान हो, हर जगह इन्होंने नौकरियां की है देश के लिए। इनमें कई भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो ग्लेंटर अवार्ड, जो राष्ट्रपति के अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। इनको सरकार से देखना चाहिए कि जो ग्लेंटर अवार्ड जिन्होंने देश के लिए जान लड़ी है, इनमें से आधे ऐसे जो वार कैटेगरी से रिटायरमेंट है और वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, इस तरीके से रिटायरमेंट है, इनको तुरंत सरकार को, राज्य सरकार को अपने भूतपूर्व सेनानी गौरव को देखते हुए इनको तुरंत नौकरी देना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी, जो पहले आ चुके हैं उनमें शामिल करो, जो नए आ रहे हैं उनमें भूतपूर्व सैनिकों का रिजल्ट जारी करके इनको ज्वाइनिंग दो। अगर नहीं होता है जारी, अगर सर अभी नहीं होता है तो अभी ये दूसरा दिन है और हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और हम कल से यहाँ पे हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जी, हम भूतपूर्व सैनिकों के वरिष्ठ अध्यापक का रिजल्ट निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारत के वीर गौरव सेनानी, जब देश के किसी कोने में जाते हैं तो वहाँ के आदमी हम पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, तो जब हम राजस्थान का नाम गर्व से लेते हैं और राजस्थान का नाम हमने भारत के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट हमारे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है? हम चाहते हैं जब हमने किसी भी देश के कोने में जाते हैं तो राजस्थान का नाम हम एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखाते हैं, तो राजस्थान की गवर्नमेंट हमारे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है? उनको चाहिए कि दूसरे वर्गों के साथ हमारा परिणाम भी जारी करे, अन्यथा जब हम बिल्कुल शांत तरीके से धरना कर रहे हैं तो हमें दूसरा तरीका भी आता, हम आमरण अनशन बैठेंगे, आमरण अनशन पर नहीं होगा तो जब हम फौज में सीने पे गोली खा सकते हैं तो हम डंडे का सहारा लेंगे और हम अपनी मांगों को लास्ट चैनल तक पहुँचा के रहेंगे। इसलिए हम विनम्र तरीके से पहले हम राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी आवाज़ सुने और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द अन्य वर्गों के साथ जारी करें। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट प्लेस फॉर किड्स टू ग्रो, Sadhguru Little Stars, a unique initiative taken by Sadhguru Groups. You will find passionate teachers, smart classes, CCTV surveillances, grooming session, outdoor e-trips, experiential learning, AC kids game zone and trained support staff. Admission open. Come and register your child. Limited seats available. Registration is free at Sadhguru Little Stars at Sadhguru Tower, Panchil Nagar, Ajmer.